हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। अभी एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है 5 जुलाई का। बात करते हैं कैसा एग्जाम, कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने क्वेश्चन किए? 50 के आसपास। आपने 70 अटेम्प्ट किए, उसमें टाइम बहुत कम था बस। और कोई तकलीफ नहीं? लगभग 60। अच्छा, अभी देख रहा हूँ बहुत कम लड़के निकल रहे हैं, क्या एब्सेंट थे बहुत ज़्यादा क्या? काफ़ी एब्सेंट थे। आपके रो में अगर पूछा जाए तो कितने? 10-15 होंगे बस, मुश्किल से। अच्छा, सीट कितनी थी? सीट लगभग 30-40 सीट होंगी। 30 सीट्स होंगी कम से कम, उसमें से 10 लड़के एग्जाम दे रहे थे, बाकी 20 थे ऑलमोस्ट। आधे एब्सेंट, बहुत आधे से भी ज़्यादा हो गया ये तो इतना। हाँ, यहाँ 250 की कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि 100 बच्चे भी नहीं निकले हैं। लगभग 100। क्या था करंट से, क्या क्वेश्चन आया था? आईफा अवार्ड पूछा है उसमें। 4 फिल्म फेयर अवार्ड जो है किस महिला को मिला है, मतलब अभिनेत्री को। और एक क्वेश्चन था कि आईसीसी का निदेशक किस महिला को चुना गया था 2018 में। हाँ, और कोई संविधान से था? 43 में संविधान संशोधन में किस शब्द को जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन था। बीमारी हुआ था, टाइफाइड वगैरह की बीमारी क्या होती है, मतलब ये सब ये क्वेश्चन आए थे। बीसीजी जो लगाया जाता है वो बच्चों को किसके लिए लगा, क्यों लगाया जाता है, किस बीमारी के लिए, से बचाव के लिए वगैरह, किस हिसाब से लगाया जाता है, ये क्वेश्चन आए। कोई पर्वत पहाड़ ज्योग्राफी से? एक भी क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू किया था? ये था आंदोलन कब चलाया गया था, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था महात्मा गांधी, चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सुपर कंप्यूटर्स के जनक किसे कहा जाता है? फिर से बोलिए। सुपर कंप्यूटर्स के जनक किसे कहा जाता है? फिजिक्स से कुछ था क्या? फिजिक्स से किसका कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है, कोई लोक नृत्य वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया में गेंद से छेड़छाड़ करने के लिए किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था, किस खिलाड़ी को नहीं हटाया गया था, ये क्वेश्चन ये था। अच्छा, इनमें से किसे नहीं हटाया गया था, मतलब 3 खिलाड़ियों को बैन किया गया था, उसमें एक का नाम था जिसको बैन नहीं किया गया था, वो था वो इसमें किसी राज्य का वो नृत्य मेला आया था। मेला, ये मेला कहाँ लगता, कौन से प्रदेश में लगता है? क्या नाम था? तारनेर मेला। मेला किस प्रदेश में लगता है, किस राज्य में लगता है? कामाख्या टेम्पल कहाँ है, किस स्टेट में? कामाख्या टेम्पल किस स्टेट में, कौन से राज्य में आया था? मैथमेटिक्स का बताइएगा कैसा रहा? मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन था। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से क्या था, किस तरह का था? ट्रिग्नोमेट्री से जैसे कोसेक एक्स और उसमें मान दिया रहता है प्लस करके, फिर दूसरा उसका सॉल्व करना था, इक्वेशन सॉल्व करने थे, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ऐसे समथिंग 4-5 क्वेश्चन दिखे थे। सब एक ही टाइप के थे या थोड़ा चेंज था? थोड़ा चेंज था, मतलब उनके टाइप के थे, रूट में मान निकालना था, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें। और मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। क्या था वो मेंसुरेशन? मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, तो था मतलब जिसमें दो सर्कल दिए गए थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी रेस वो दिया था, रेडियस दिया था, और जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच की दूरी दी थी, तो वो पूछा था उनकी डिस्टेंस पूछी थी सेंटर टू सेंटर। एक क्वेश्चन आया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक विकर्ण दिया रहेगा और एक लेंथ दी थी, तो वो निकालना था। एक ए बी सी दे रखा था और उसका केंद्र में ओ है, और फिर ओ बी सी का मान 148 है, तो उसका पूछ रखा था, एंगल पूछा था, उसका एंगल ही पूछा था, एंगल पूछा था कितना एंगल है। अलजेब्रा सब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टफ रहा है, इस शिफ्ट में भी टफ को लोग क्वेश्चन तो कर लेते, लेकिन वो टाइम होता तो क्वेश्चन भी कर लेते, टाइम काफ़ी लगा। क्या था, किस तरह का क्वेश्चन था? एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बराबर कोई वैल्यू दे रखी है, उसके बाद पूछा है एक्स माइनस वाई की पावर, मतलब कुछ दे रखा है, उसको निकालना है। ओके, स्क्वायर रूट से? स्क्वायर रूट से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, स्क्वायर रूट से कोई क्वेश्चन। अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन होंगे? दो तीन होंगे। और दूसरा किस तरह का था? सिंपलीफिकेशन था, बोडमास था, बोडमास किस तरह का था? बोडमास ये तो नहीं था, मतलब इसको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन को,
और दूसरा ये था कि आपको कौन साइन चेंज करना है तो वैल्यू सही आएगी, प्लस और डिवाइड माइनस और डिवाइड साइन कौन सा चेंज करना है, सिंपलीफिकेशन हाँ बोर्ड मास रूल मिला के दो तीन क्वेश्चन थे उसमें सॉल्व करने को। किस तरह के थे उसकी लाइनिंग क्या? उसकी लाइनिंग थी जैसे 8 of 5 इसको और प्लस ब्रैकेट था उसमें अंदर और दो तीन ब्रैकेट लगा के उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी। पाई चार्ट, पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन थे, एक जो टैगलाइन दी गई थी उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था तो ईयर वाइज बताना था कि कौन से ईयर सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, कौन से ईयर एक्सपोर्ट हुआ है, सभी सभी ईयर का एवरेज औसत क्या होगा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, ऐसे क्वेश्चन था। एवरेज से था, किस तरह का था, सिंपल था या सिंपल था? पूछा गया था ए बी सी अगर किसी कार को एक 16 दिन में, एक 20 दिन में, एक 60 दिन में करता तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करें, ये क्वेश्चन था। वो मतलब एज एवरेज का था इसमें कि मतलब 5 फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एज दे रखी थी 9 साल पहले इतनी थी एवरेज, उसके बाद फिर 9 साल उसके बाद फिर प्रेजेंट में 3 मेंबर्स और जुड़ गए, फिर उसके उनके एवरेज बोल रहा है कि पिछली वाली जैसी थी सेम थी। टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था वही कि एबीसी किसी काम को मतलब 16 दिन ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन 1/2, 2/3, 3/4, 1 है और उसके डिफरेंस 27 है तो पता करना नंबर क्या है ऐसा, ये डिफरेंस 27 दिया गया था। हाँ रीजनिंग के बताइए, रीजनिंग क्या सर? रीजनिंग में वो क्वेश्चन टफ थे, क्वेश्चन ये थे क्यू एस पी को एम एंड क्यू लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आए थे 2-3 क्वेश्चन से आए थे। अल्फाबेटिक से 2-3 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन था। आकृति गिनना क्या टफ लगा? एक ट्रायंगल गिनना था, सारे जो एक आकृति दी गई थी उसमें बताने थे कि कितने ट्रायंगल मिले आपको, कितने ट्रायंगल कितने मिले आपको? मुझे 32 मिले। 32 आपको? 32 गिन लिया आप लोगों ने, मतलब सही कमाल है। बहुत मुश्किल होता है इतने ज्यादा, उसमें केवल कुछ अलग ही थी और ऊपर बना हुआ था नीचे भी आधा कटा हुआ था उसमें थोड़ा सा सैंपल, और मैं आखिरी क्वेश्चन को एक आया था इसमें 5 आ गए तो टाइम और लगा। और ब्लड रिलेशन कैसा था? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जैसे पूछा गया था ए प्लस बी बराबर ए बी का पिता है और बी प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन था एक प्लस मतलब माता है माइनस मतलब पिता है डिवाइड का मतलब भाई है इनटू मतलब बहन है तो पता करो ये कौन किसका भाई है। फिर इस तरह दे दिया, कल नॉर्मल दे रहा था कि राम उनकी पत्नी है उनका बेटा है वगैरह, आज प्लस माइनस दे दिया, ये थोड़ा कठिन होता है तब भी कर लिया लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है तो इसलिए छोड़ दिया उसको। वेन डायग्राम डीजल ईंधन और तरल मिला के उसको बताना था कि डायग्राम कौन सा सही है ऑप्शन। कितने क्वेश्चन थे उससे? एक ही क्वेश्चन था। मिरर भी होगा ना? मिरर में वर्ड था या पिक्चर था? एक था, वर्ड था या पिक्चर था उसमें? पिक्चर था, पिक्चर था, उसको दाईं ओर पलटने पर क्या दिखता है वो ऑप्शन टिक करना था। पेपर कटिंग का भी था। कैसा था वो? ट्रांसपेरेंट वाला था क्या? ट्रांसपेरेंट वाला फोल्डिंग करना था उसको, लाइन थी उसमें एक लाइन थी और लाइन को फोल्ड करने के बाद पेपर को क्या फिगर आएगा। स्टेटमेंट आर्गुमेंट से सिक्के कहते हैं तो सिक्के को क्या पर्स कहेंगे या नहीं, सिक्के हैं ऐसे एक क्वेश्चन था। पजल आया था? पजल लगातार नहीं आ रहा। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आया था। उसमें 5 का वो बताना था सामने, 3 है तो 6 के सामने क्या होगा ये था मतलब। इंग्लिश का बताइएगा, जैसे क्वेश्चन 4 में देते हैं ABCD तो इनको अरेंज करना है पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है, ऐसे थे PQRS को अरेंज करके बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। जनवरी की स्पेलिंग करेक्ट करने को आई थी और मतलब मंथ नेम दिया गया था उसमें जनवरी की स्पेलिंग करेक्ट थी, ऐसे क्वेश्चन था। और जनवरी अक्टूबर नवंबर 4 थे, 2 सिनोनिम था। किस किस के थे पूछे? दिमाग से निकल गया वहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, एक्टिव पैसिव वॉइस? एक्टिव एक एक्टिव था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। किस तरह का था वो? वो सिंपल ही था कि मतलब सी अब टोल्ड हर डॉटर बॉल के पास मत जाओ, डोंट गो टू बॉल, ये था। एक क्लोज टेस्ट होगा उसमें एक पैरा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ एक क्वेश्चन आया था लगा था 5, उसमें 5 जगह दी थी। किस टॉपिक पे था वो? वो जापान का एक 37 में कुछ स्टोरी थी जापान की चाइना की, उसमें फिलिंग करना था। टेंस से रिलेटेड कुछ था क्या या उस सब क्वेश्चन में ही मिला हुआ था टेंस? नहीं टेंस से रिलेटेड तो कुछ नहीं दिखा, बाकी ये जो भी नहीं आया उसको छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आपने जितना बताया यही काफ़ी है क्योंकि एग्जामिनेशन के टेंशन के बाद इतना थोड़ा बाहर आने के बाद क्वेश्चन भी धीरे धीरे याद आता है, वो बहुत टेंशन होता है उस स्ट्रेस में निकलने के बाद, इतना आपने बताया यही बड़ी बात है।
तो एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट में यानी 5 जुलाई को आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है ये वीडियो। अब सेकेंड और थर्ड उसका भी बताएंगे आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं सन्मय प्रकाश यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज के लिए, और कैमरा संभाल रहे हैं अमित।